राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड के उपली ओडन स्थित द मारुति नंदन ग्रांड होटल में रविवार अर्धरात्रि केक सेरेमनी और आतिशी नजारे के साथ नए साल 2024 का स्वागत का जश्न मनाया जाएगा। जनरल मैनेजर तरुण शर्मा ने बताया कि नए साल के अवसर पर होटल परिसर में नए साल मनाने के लिए आने वाले पर्यटकों के स्वागत को लेकर आकर्षक साज सज्जा करवाई गई है। रात्रि कालीन कार्यक्रम में लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ फिल्मी और बॉलीवुड तराने प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसका मुख्य आकर्षण डीजे क्रिस्पी के साथ रसियन बैंड होगी। क्या कुछ आप होटल में क्या कुछ आयोजन हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा फॉर एंटायर नाथद्वारा एंड एंटायर राजस्थान। हम नाथद्वारा को एक एज अ टूरिस्ट हब देखते हैं और इतना टूरिस्ट अभी लास्ट 5 डेज में नाथद्वारा में आया है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे न्यू ईयर पे एक भव्य सेलिब्रेशन किया है, जिसमें हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी डीजे एंड बहुत सारे भव्य कल्चरल प्रोग्राम्स अपन आयोजित करने जा रहे हैं। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि आप इन सब का आनंद उठाने के लिए प्लीज़ द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा होटल में आइए, पधारिए और अपना रिजर्वेशन और टेबल बुक कराइए। उन सब जितने भी इतने सारे टूरिस्ट हैं जो नाथद्वारा को प्रमोट कर रहे हैं और लोग इतना बड़ा फुटफॉल जो अपन ने देखा है स्पेशली इस साल, अपन उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपन ने ये इवेंट आयोजित किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आइए और इसका आनंद उठाइए। जय श्री कृष्ण। कल्चरल जो ये होगी क्या अट्रैक्शन क्या है जो उसके बड़े कल्चरल जो ये होगी जैसे गणेश पूजन हो गया, श्री कृष्णा से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड फूड भी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीजों को अपन ने देखा है एंड उसी हिसाब से अपन ने इस पूरे इवेंट को प्लान किया है। न्यू ईयर के समय क्या उस समय आतिशबाजी कुछ ऐसे कार्यक्रम भी? हाँ, 12 बजे अपन ने एक फायर क्रैकर भी किया है, जिसमें अपना पूरा लाइव शो फायर क्रैकर पे चलने वाला है और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस अपन टूरिस्ट के लिए जनरेट कर रहे हैं।